शिवम। हम पांच अनुभवों से यह जान सकते हैं कि कोई हमारे दिमाग में प्रवेश करना या हमारे दिमाग पे नियंत्रण करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात जान लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर प्रयोग कर सकता है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आप पर प्रयोग कर सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला अनुभव, जब कोई आपके मन में प्रवेश करने की सोचेगा या वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो आपके आभा मंडल में परिवर्तन हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपके विचारों में भी अंतर आने लगेगा। यानी जो आप नॉर्मली सोचते थे उससे बहुत अलग ही आपके विचार हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये विचार तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, ये विचार आ क्यों रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, मैंने तो आज तक इस तरह के विचारों को सोचे नहीं था। तो इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति आपके मन में प्रवेश कर चुका है और प्रवेश करने के साथ ही वो आपके विचारों को बदल रहा है। दूसरा अनुभव जो होता है वो होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, कहें मन के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो सामने वाले की ऊर्जा कमज़ोर होने लग जाती है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की ऊर्जा कमज़ोर होती है तभी उस पर ज़्यादा नियंत्रण करा जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई अगर मुझ पर प्रयोग कर रहा है तो मेरे दिमाग में जैसे ही प्रवेश करेगा तो मेरी शक्ति को क्षीण कर देगा, जिससे मैं उसका विरोध ना कर सकूं। तीसरी चीज ये आती है कि व्यक्ति एक तरह से बेचैन जैसा महसूस करने लग जाता है, उसका ध्यान पूरी तरह से भटकाव में आता है, पूरी तरह से ही। क्यों? क्योंकि अब उसके दिमाग में अदर व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। जब यह तीन तरह के लक्षण हो जाते हैं, जो चौथे लक्षण में इंसान सपने में बार बार कोई चीज़ें दिखाने लग जाता है, हमें दिखने लग जाती है, और उससे हमारे दिमाग का जो डाटा होता है वो पूरी तरह से बदलने लग जाता है। क्योंकि सपने रियल होते हैं पर वो रियल नहीं है, वो किसी के द्वारा बनाए गए सपने हैं जो हमारे दिमाग में प्रवेश कर रहे हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है कि वह व्यक्ति आपको जानता है, तभी वो आप पे प्रयोग कर पा रहा है। क्योंकि वो आपकी विचारधारा को जानता है, आपकी मानसिकता को जानता है, आपकी साधना को जानता है। और जब वह व्यक्ति आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है तो धीरे धीरे वो आपको अपना पूरी तरह से अधिकार करने का मौका दे देता है और आप उसी की तरह सोचने, उसी की तरह जीवन जीने और उसी की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। यह प्रयोग ज़्यादातर लोग स्त्रियों पर करते हैं क्योंकि स्त्रियां एक तरह से संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील होने के साथ साथ ज़्यादातर स्त्रियां साधना को ध्यान नहीं देती हैं, इसीलिए उनके ऊपर यह प्रयोग बहुत सरलता से हो जाता है। पर कहे तो स्त्री पुरुष दोनों ही समान होती हैं, जितना स्त्री पे हो सकता है उतना पुरुष पे भी हो सकता है, पर पुरुष के चांसेस कम होते हैं, स्त्री के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर जब तुम चीज़ों को सीखते हो तो तुम्हें सब चीज़ का पता होना चाहिए। क्योंकि एक असली वो योद्धा वही होता है जो लड़ने के साथ साथ सामने वाले की कमज़ोरी भी जानता हो और अपनी कमजोरियों को भी पहचानता हो। शिवम।